प्रदेश के उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी आज भोपाल से मुरैना आए। जी हां, इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व उनके दल भाजपा को सत्ता लो लो बताया और कहा कि महाराष्ट्र में विरोधी दल के साथ सरकार बनाकर इसे सिद्ध कर दिया गया है। जी हां, कांग्रेस ने कई दशकों से तिनका तिनका जोड़कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, पर बीते 5 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया गया है। इससे आज विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत को बना दिया गया है। जी हां, जीतू पटवारी आज सुबह भोपाल से मुरैना आए थे। वे सीधे स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखकर खेल सुविधाओं की कमी स्वीकार करते हुए कहा कि बीते 15 वर्षों से सिर्फ घोषणाएं ही हुई हैं। जी हां, भाजपा पर जातिवाद सांप्रदायिकता से लोकसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। वे चंबल की खेल प्रतिभाओं तथा सेना जाने वाले युवाओं के लिए संसाधन हेतु योजना तैयार करवाएंगे। वहीं मंत्री जीतू पटवारी सबसे पहले मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर की पुत्री के विवाह उपरांत शामिल हुए। इसी तरह जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुरैना राकेश मावई की पुत्री विवाह उपरांत उनके निवास पर गए। वह विधायक रघुराज कंशाना के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले। देर सुबह वह ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। बदल गई नई सरकार का गठन, कांग्रेस को छोड़ गई एनसीपी। विषय ये है कि देश ने, महाराष्ट्र ने मैंडेट दिया था बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने का और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाने का। जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ टकराने लगे, कांग्रेस ने अपनी भूमिका सकारात्मक निभाई। जो हमारा नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करने का आधार बनता है पार्टी का, उसी आधार पर हमने निर्णय लिया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, चूंकि जनादेश का एक सम्मान करना, एक चुनी हुई सरकार, जनता की सेवा करना, तो उसमें भी हमने जल्दीबाजी नहीं की। मुद्दों पे, विचारधारा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। निर्णय लिया, बातचीत करेंगे, हर मुद्दे पे क्लियरिटी लाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीपी की मुख्य भूमिका थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जैसा चरित्र है, जैसा स्वभाव है, जैसे उसकी विचारधारा की मूल धारणा है सत्ता लोलुपता की, वो एक बार फिर देश के सामने है। मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र ने जो जनादेश दिया था वो अपनी जगह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को ही दिया था, पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो आपस में बात करें कि उन्होंने देश महाराष्ट्र के सामने क्या किया है, जहाँ तक एनसीपी का सवाल है उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, पर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सत्ता के कितने लालची लोग हैं, उनका विचार कितना लालची एक बार फिर दिखा। ये जो क्वेश्चन की नहीं है, आज देश के हालात क्या है, देश की, विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश मध्य देश का हमारा भारतवर्ष हो गया, अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। जितनी कांग्रेस पार्टी ने सालों साल में मेहनत करके एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनाई थी, उसको उन्होंने धराशायी कर दिया। मुद्दे कई हैं, पर जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को राम मंदिर के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे अलग अलग बातें करके चुनाव जरूर जीती, पर देश की अर्थव्यवस्था का कितना कबाड़ा हुआ और 14 के चुनाव में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनका क्या हुआ, ये सब मुद्दे देश के सामने हैं। देश का परिवार का एक बेटा जो आज बेरोजगार है, माता पिता कितने पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो उस परिवार की वेदना समझ सकता है। इस नाते कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।